सुजाता खाली सहयोग कलेनी बोली जीत आज घरे अच्छा ना जीत जाए थाना था जीत जमी गोटे गोटे भूल कर चलते तार दंड मिलवा उचित जहाँ भी कह माँ ही जीत को मुह पढ़ाऊँ से जीत आज क्या मानुना एमती भूल कर जो गुड़ा कि आई नागर अपराध आने आंसर माँ ही दाय माँ जीत को आकट करने बदल प्रशय दौरान दुर्गा ठीक कही जो माँ को मो देवी भली पूजा करूँ सी जे ता नुहति से बहुत पर बुझे मोर एमती अवस्था सी के मत साहस कि सांत्वना टी देना बर मो प्रति अत्याचार कर मत मो रूम बाहर करोर रूम रखी था सी मत छाऊ मु मरी जाए मुझे मर मुझे बचीचे दुर्गा भाई अरे तुम कौन भावु काली अंतरा बाहाघर सोई पड़ो काली सकाल को जल्दी उठवा को भौणी अंतरा नाक अगर तार राग सब थाए भाई किंतु मनटा पूरा सफा मो सुना भौणीटा अंतरा कल बाकी चली बोली तमें मन दुख कर झील जन्म पर घर को प्रत्येक झील जीवन एमती हुए तमें खाली माँ अंबिका को प्रार्थना कर अंतरा जीवन रे जमी कि भी दुख कष्ट न आस सत कथा कह मत कहीं भारी डर लगुच माँ सिना कहते रोहित बहुत भल पा किंतु रोहित अंतरा को बाहा खुशी से रखे से कथा भाव मो मन बहुत सन्देह हो अनु तमें बाहर लोनी हाँ मो मोबाइल टा कोडा देख लो मोबाइल टा उठ रहला अरे हे परा निया हाँ हाँ ठीक है जी मो बाहर लेनी आश्चर्य तो सुना तम गुटे दिन से देखे वाला अच्छे रो मान जी इरे देख लो केमती लगुच अरे बा बढ़िया है तो इरे तो नया साड़ी हाँ ये साड़ी टा मो अंतरंग का पाया नहीं ची केमती लगुच पला ही ची किंतु मुझे आनी ची तमें कौन भाबुचा अंतरंग का बागर को आम को किसी सुना दिन से दबा दर कर दिया किंतु कौन करे अमर तो क्षमता नहीं मुझे साड़ीटा किनी आनी अच्छा ये साड़ी देले से मन कौन खराब भावे ना ना अरे खराब कहीं भावे आमर तो किसी दबा कथा तुम ये शाड़ी दबा यहाँ अवश्य अनुसूय को भल लगे सी देखे शिखे मत अनेक कथा कही पारे किंतु अंतरा को बहुत पसंद कर भल झीटे मुझे जानी मुता निर्बंध को जो दिमुठा काच जोड़ी पठेली से बहुत खुशी होता मत दुर्गा से विषय कहला से बहुत भल झ मो माँ अंबिका पाखे प्रार्थना करुच्ची बाहर पर सांसारिक जीवन सुखमय हो अच्छा मोर डेरी आ
काका एटा तम पई मौसा एटा तम पई मा ए सब धर अंतरांकर बाहागर होची घरे सब सदस्य नुआ पिंधिबे आपण माने भी घरर सदस्य तेनु आपण मानन पई नुआ केमति हबनी सतरे बहुमा तम भलिया मन आ पेट चिनुआ लोक आज जाए मु कोटी देखिनी तमें आम को ए घर गोटे लोक भाभी सेटा ही आम भाग्य तुम्हें घर बो मानुए तुम्हें हूँ माँ तुम्हें घर थी जाए मत जो ये घर किए तड़ी दिए तथा तो मुझी ना मु तुम्हारी पाखे रही माँ तुम्हारी पाखे रही सत्यरे भाज जोलिया काका और बालू काका जहाँ कहक कले सब सत तम भर मन को बुझी पार्थ्वा मनस जदि दुनिया थी बहुत कम थी भाज मो बाई तुमको छाड़ चली जी कथा भाविले बहुत कष्ट मुझे मो सुना नणंद को बहुत छुरी है तथा मु चाह तुम बाहा भलरे भलरे तुम शाशुघर को जाओ मोर गोटे कथा मन रखे अंतर शाशुघर लोक बहुत अनेक कि आशा करते तेणु तक मन नहीं तुमको चलवाक हम तक मन नहीं तुमको कम करवाक हम ताइ से तुमको बहुत भल पाइबे अवश्य ए सब जनकर सहयोग दरकार से जनक किए जाच जहा हाथ धरी तमें से घर को जीव रोहित को ठारु से सहयोग मत मिल से विश्वास मोर अच्छे भाज से तो मुझे बाहर राजी मुझे चाहूँगी रोहित को बाहा हो सारापर तम दिन खुशी खुशी कटु तेणु मो अंबिका पाखे मुझे प्रार्थना करी तुम जीवन रे दुख बोली किसी नस देखु तुम्हें तुम सीमा बाहर को चली जाऊ भूली जाऊ तुम्हें हूँ ए कंपनी रो जने साधारण कर्मचारी नहीं सर मुझे कथा जमा भी भूलिनी ताहले मुझे जहाँ कही तुम्हें कलनी कहीं तुमको मुझे जी टा मागि तुम नहीं देलनी कहीं सर देखु जी संभव मुझे करी आपे देखु कंपनी सब पेमेंट बिल एगेस्ट पेमेंट होर्सनाल यूज गोटे टाँह भी दि जाऊनि एभली कंडीशन में आपको कंपनी क्या केमी दे था तुम्हें भूली जाऊ मुझे एक कंपनी ओनर आई एम सॉरी सर ए कंपनी ओनर आपण नुंती ए कंपनी ओनर होती सूर्यनारायण देव ताक बिना परमिशन रे मु आपन को गोटे टंका भी दे पारिबिन हाउ डेयर यू सर आप लगुच्च कौन पर जोटा सत कथा मुझे सहीटा कहली मत लगुच तुम आठ चाकरी करने को इच्छा ना से तुमको जहा कहे तुम्हें जमा भी करू ना सर देखु कंपनी गोटे रूल अच्छे आपड़ जदि मत कह रूल एगेन्स्ट जावाई तेल आम सरी मुझे कौन से प्रकार साहय कर अच्छा तुम्हें मत रूल देखा मु तुमको कही ना आम घरे संगीत आसर हम अनेक लोक आसवे से मथा बुझापी साहय करने को तुमको डाकि तुम्हें आसलि कहीं आम घर को आसते तुम प्रेस्टी चली जाता ना आम घर कम जोग न देवाटा भी तुम कंपनी रूल नहीं सर सेमती किसी ना एक्चुअली कल टी मो देह भल ना तो से आसपारे आज तुम्हें भल अच तो हाँ सर कल भी निश्चय भल रमती देखु कबू कही रखुचे कल अंतरार बाघर बाहर अनेक कम मु आशा कर बाघर को आसिक आमको कम साय कर मुठ कही रखुचे
କାଲି ଅନ୍ତରାର ବାହାଘର। ବାହାଘରରେ ଅନେକ କାମ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ କାଲି ବାହାଘରକୁ ଆସିକି ଆମକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେମିତି କିଛି ବାହାନା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କର। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଟଙ୍କା କଥା। ତମେ ଯଦି ଏମିତି କମ୍ପାନୀର ରୁଲ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛ ତାହେଲେ ଧରିଥାଅ। ଟଙ୍କା ମୁଁ କେମିତି ନେବି ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି। ହଁ ଶୁଣ, କାଲି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ଆସିବାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ। କାଲି ଅନ୍ତରାର ବାହାଘର। ଜିତୁ ବାବୁ ସିନା ମୋତେ ଡାକି ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି କେମିତି? ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହବ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବି କେମିତି? ଅନ୍ତରା, ତମେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ନା? ନାଇଁ, ଆଉ କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ସୁନାଟା ପରା। ଛି, ଆଉ କାନ୍ଦନି, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଇଗଲେ ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେନି? କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଭାଉଜ? ସେ ତ ଠିକ ଥିଲେ ନା? ସେ କଥା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଅନ୍ତରା। ମୁଁ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଡକ୍ଟର ରାଉତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ବାପା ମୋ ବାହାଘର ଦେଖିବେନି? ମୁଁ ଏଇ ଘରୁ ବିଦା ହେଇକି ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବନି? ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ଉପରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଶାଶୁଘର ଗଲାବେଳେ ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇପାରିବନି, ଏଇ କଥା ଭାବିକି ମୋତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମାନି ନେବା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ ଅନ୍ତରା। ତମେ ଖାଲି ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବାପା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ବାପା ଭଲ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇ ବାପାଙ୍କୁ ତମ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବି। ନାଇଁ, ସତ୍ୟ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଛି ସିଏ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ଆରତୀ, ନିଜ ଝିଅର ବାହାଘର କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଭାବିଲେ ଏ କଥା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା କିଛି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ଉପାୟ ଅଛି ମା। ଆରତୀ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେଉଛି, ବାଏ। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ? ମା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଦୁର୍ଗା, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମା, ଭୁଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବାହାରିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ମା। ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ସେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ, ଏଇଟା ତ କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ଏବେ ଭଲ ହେଇଗଲେଣି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ବାପାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁନି ମା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ।
बापा एबे डाक्तरखाना रे अछन्ते अंतरंग बाहाघर रे जोग दे परिबेनी तांकर कन्यादान करि परिबेनी एही सब कथा भाबी अंतरंग मन बहुत दुख से बहुत कांदुचन्ते आ तांका आखिरे लुह मु देखि पालेनी सेथिपे मु डाक्तरखाना फोन करथिली डाक्तर बाबू कहले जे बापा एबे भल अछन्ते से बाहाघर रे जोग दे परिबे बाहाघर रे जोग देले बापा खुशी हेबे आ खुशी हेले तांका स्वास्थ्य उन्नति आसीब तमने तमन तुम न पचारिकी पचारिबा पई त आसछी मा डाक्तर बाबू कहले बापा एबे भल हेलेनी तेणु तांको डाक्तरखाना रो आनिबा पई म आपनकर अनुमति नबाक आसछी ना तो ससुर एबे हॉस्पिटल रो आसी परिबेनी किंतु काहे के मा बापा त एबे भल हेलेनी डाक्तरखाना से काहे के रहिबे से कैफियत मु तते देई परिबेनी मु आपनको कैफियत मागुनी मा मु खाली जानिबाक चाहुची जे बापा घर को काहे के आसी परिबेनी से हॉस्पिटल रो आसले हुए त पुनी किछ असुविधा हे परे तांका देह बेसी खराब हे परे हुए त अंतरार बाहागर बंद हे जाय परे किंतु मा डाक्टर बाबू त कहउचंती सेमति किछ भी असुविधा हबनी ता माने कोन डाक्टर बाबू को कथा भूल तू कोन मो संगे ठीक जुक्ति करय कसछु नाही मा मु आपनक संगे जुक्ति करबा को आसिनी मु खाली जानिबाक चाहुची जे बापा भल हे गेला परे भी आपन तांको घर को आनिबा पे काहे के चाहु नांती एत्र मु कोन बुझिबे मा आपन कोन जाने जाने बापा को घर टू दूर रखिबा को चाहु चंती दुर्गा आपन मो परे रागंतु निमा दया करे टिके मो कथा सुनो आपन बापा को डाक्टरखाना काहे के पठेले चिकित्सा करबे जण कर चिकित्सा काहे के करा जाय तांको भल करबा पे एया तो डाक्टर को चिकित्सा परे बापा तो भल हो गेले ताले बापा को डाक्टरखाना रे काहे के रखिबे आपन बापा को डाक्टरखाना काहे के पठेले चिकित्सा करबे जण कर चिकित्सा काहे के करा जाय तांको भल करबा पे एया तो डाक्टर को चिकित्सा परे बापा तो भल हो गेले ताले बापा को डाक्टरखाना रे काहे के रखिबे लागुचि दुर्गा सत्य को घर को न आने के चुप बसिबनी मु भी एथरे बेसी बाधा दबाटा ठीक हबनी कौन भाबुचंती मा आपणकर गोटे पिले झियो तार बाहाघर हब ता बाहाघर रे आपणको भाई बदल रे आपणकर स्वामी जदि कन्यादान करिवे ताले कोन आपण खुशी हेबेनी डॉक्टर जदि तते ई कथा कहिले ताले मते काई कहिलेनी आपण ताको पछियाने हत बोली से आपणको कहि नांती आपणकर जदि विश्वास होनी ताले आपण निजे फोन करी पछरंतु ठीक अछि दुर्गा तू एबे जा मु डॉक्टर संगे कथा हेकिरी जहा करिवा कथा करबी नाही मा आपण एबे कथा होंतु राती पाइले बाहाघर तेणु मु चाहुची बापांको आजि राती रे घर को नै आसिबाको दुर्गा तू बहुत जिद करुछु बापांको आजि राती रे न आणी के काली सकाळ आइले कोन असुविधा मा काली सकाळे बहुत काम अछि आजि राती रे नै आसिले असुविधा कोन हबो ठीक अछि कहुछु जदि जा किन जदि किछ असुविधा हुए मु दाई हेबी मा आपण मो पर विश्वास रखंतु बापांकर किछ भी असुविधा हबाक देबेनि बापांका दायित्व मोर आसछि मा ठीक अछि से बेदी काम सरला ना नहीं आज्ञा संध्या 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 ना मत लगुनी मैंने शीघ्र कम सारी पारे मत से डेकोरेटर को फोन करने पड़ो सी आ कि लोक पठेब ताल कम जल्दी सर हेलो
ଅନ୍ତରା। ଆପଣ? ହଁ, ତମଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ ପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ? ମୁଁ ବି ଦିନେ ଏକଥା ଭାବୁଥିଲି, ତମ ପାଖରେ ମୋର କାମ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ମୋ ସବୁ କାମ ତମରି ପାଖରେ। ମାନେ? ମାନେ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଅନ୍ତରା, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତମକୁ। ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଏକଥା ଆପଣ କହିବାକୁ ଡେରି କରିଦେଲେ ଅଜୟ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ସାରିଛି ଅଜୟ, ଆଉ ଆଜି ରୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଅନ୍ତରା, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ତମେ ସେମିତି କିଛି ବି କୁହନି। ତମ ବାହାଘର ରୋହିତ ସହିତ ହେବ, ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବିନି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବିନି ଅନ୍ତରା, ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଡେରି କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋତେ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଖାଲି ହଁ କହିଦିଅ, ଆମର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଅଜୟ, ଆଜି ମୋର ବାହାଘର, ହଁ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ତରା ଦେଖ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ତମେ ଖାଲି ଥରେ ହଁ କହିଦିଅ, ଆମେ ଏଠୁ ଲୁଚିକି ପଳାଇବା, ଆମେ ଦୂରରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଯିବା, ଏକାଠି ରହିବା।